अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एशनल विजन। आज के इस व्लॉग में मैं आप लोगों को लेके चलूंगी बहुत ही खूबसूरत जगहों पर, और हम एंजॉय करने वाले हैं ऑटम सीजन को, बहुत ही खूबसूरत रंगों को, कुदरती हसीन मनाजिर को हम एंजॉय करेंगे। तो चलिए चलते हैं। यूं तो कोई खास प्लान नहीं था, मगर बहुत ज्यादा दिल चाह रहा था समोसे खाने का, जलेबी खाने का, तो साथ में मौसम भी इंजॉय कर लेते हैं और समोसा और जलेबी खाने चलते हैं। यहाँ की बहुत ही अच्छी दुकान है, हम वहाँ जा रहे हैं। उस दुकान में हम लोग खरीदेंगे समोसे और जलेबी और खाएंगे खूब मजे ले लेकर, और आप लोग अपने साथ रखेंगे, आप लोग भी चलिए। बहुत ही खूबसूरत अंदाज में सजाई गई मिठाइयाँ और समोसे और जलेबी बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं दिल को ललचा रही हैं। दिल चाह रहा है फ़ौरन से खा ली जाए, लेकिन इंतज़ार करना होगा कि किस कब हमारी जो है वो बारी आएगी और हम खरीदेंगे। डिस्प्ले पर अच्छी तरह से ये पहले से लगा के रखते हैं, लेकिन जो देते हैं वो बिल्कुल फ्रेश बना के देते हैं। बहुत ही अच्छी दुकान है, आप लोग भी यहाँ पर आइए, जब भी कभी आप लोग का मौका लगे तो आप इधर से ज़रूर खरीदिए। काफ़ी फ्रेश और अच्छी चीज़ें होती हैं, हलाल चीज़ें होती हैं। और अब हमने ख़रीद ली हैं अपनी पसंद की सारी चीज़ें, और अब हम जा रहे हैं स्पॉट पर जहाँ पर हम जाके खाएं। हम लोग देख रहे हैं हम कौन से स्पॉट पर कहाँ जाके बैठें, तो हम लोगों ने डिसाइड किया है कि हम पार्क में जाके बैठेंगे। ये वीडियो बिल्कुल भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, बस एक रिव्यू है। हमने यहाँ से ख़रीदा, हमें अच्छा लगा, तो मैंने कहा क्यों ना आप लोगों के साथ भी शेयर कर लिया जाए। आप लोग भी अच्छी चीज़ खाएं जैसे हमने खाई। ओके, सो अब हम आ चुके हैं पार्क में। यहाँ पे प्लेग्राउंड भी बहुत अच्छा है, स्विंग्स वगैरह भी काफ़ी खूबसूरत और अच्छे हैं, लेकिन हम स्विंग्स वगैरह और प्लेग्राउंड में नहीं जाएंगे। हम यहाँ पर अच्छी लोकेशन है, अच्छा एनवायरनमेंट है, अच्छा व्यू है, तो कार में बैठकर अपने समोसे और जलेबियाँ इंजॉय करेंगे, और उसके बाद हम वॉक पे चलेंगे, ट्रेल वॉक पे। यहाँ पे पीछे एक ट्रेल भी बनी हुई है, तो हम वहाँ पे वॉकिंग करेंगे और उसके बाद फिर हम देखते हैं हमें क्या करना है। कोविड की वजह से हम लोग अवॉइड कर रहे हैं स्विंग्स पे बैठना, इंजॉय करना फिलहाल, तो इस वजह से हम गाड़ी में ही बैठ के खाएंगे। चलिए मैं आप लोगों को दिखाती हूँ कि हमने क्या क्या बाय किया। बहुत ही टेस्टी जलेबियाँ हमने बाय की हैं, और दो तरह के समोसे हमने ट्राई किए हैं यहाँ के। एक वेजिटेबल समोसा लिया है और एक चिकन समोसा लिया है, और साथ में हमने स्प्रिंग रोल्स लिए हैं। बहुत ज़्यादा अरसा हो गया था फ्राइड आइटम खाए हुए, तो हमने कहा चलो आज हम लोग चलते हैं और फ्राइड आइटम ट्राई करते हैं यहाँ ये वाली शॉप का। तो ये अब हम लोग खा रहे हैं, बहुत ही मज़ेदार, इन्होंने चटनियाँ भी साथ में दी हैं और खूब ही ज़बरदस्त इन्होंने बनाए हैं समोसे, बहुत ही टेस्टी हैं। वेजिटेबल भी टेस्टी हैं और चिकन वाले भी टेस्टी हैं, स्पाइसी ज़्यादा नहीं है, बहुत ही ज़्यादा माइल्ड और अच्छे बने हुए हैं। बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी खा सकते हैं, और इन्होंने बहुत ही अच्छे बनाए, आई रियली लव देम। और अब हम चलते हैं ट्रेल वॉक पे। ट्रेल वॉक पे जाने के लिए हमें थोड़ा सा रास्ता फासला तय करना होगा, अच्छा है थोड़ा सा हम वॉक कर लेंगे, और खूबसूरत मनाजिर और ऑटम के जो लीव हैं जो फॉल करते हैं वो बहुत खूबसूरत लगते हैं, और गिरे हुए पत्ते जो हैं बहुत ही प्यारी जो है वो वाइब्स देते हैं, थोड़ी सी सुकून सी कामिंग सी वाइब देते हैं। तो चलिए आइए चल के हम लोग वॉकिंग करते हैं और इन्जॉय करते हैं वेदर को, क्योंकि बारिश होने वाली है। थोड़ी देर पहले भी बारिश हुई थी, तो थोड़ा सा गीला है, फिर के थोड़ी सा मौसम ठंडा हो गया है, खुनकी सी हो चुकी है, हम सब जैकेट पहने हुए हैं। और ट्रेल पे हम आ चुके हैं, यहाँ की ट्रेल जो है वो गीली हो रही है बारिश की वजह से, और ये खूबसूरत आप मनाजिर इंजॉय कर रहे हैं, तो चलिए आप इंजॉय कीजिए। Look at this huge tree. I'm hoping that आपको आज का ब्लॉग बहुत ही अच्छा लगा होगा। मुझे तो आप लोगों के साथ
आज का जो वेदर, आजकल का वेदर शेयर करके बहुत ही मजा आया। अब हम चलते हैं, अपनी व्लॉग को खत्म करते हैं, फिर मिलूंगी बहुत ही मजेदार कंटेंट के साथ। जब तक अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय।